दोस्तों, हमारे महान धर्म ग्रंथों में कई सारे ऐसे युग के अवसर वर्णित है जहाँ देवताओं, असुरों, गंधर्व, यक्ष और अन्य योद्धाओं ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया है। साधारण मारक क्षमता से लेकर प्रलयकारी विध्वंस करने वाले दिव्यास्त्रों का वर्णन हमें इन धर्म ग्रंथों में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 महास्त्रों के बारे में बताएंगे जिनसे अमृत पीने वाले देवताओं को भी हराया जा सकता था और वे इतिहास के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। और साथ ही हम आपको ये बताएंगे ये सब दिव्यास्त्र किस योद्धा के पास थे और उसने कब कब इनका प्रयोग किया था। नंबर 10, ब्रह्मास्त्र। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध दिव्यास्त्र था। किसी भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र होना सम्मान की बात मानी जाती थी। इसकी रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने की थी और ये अमोघ अस्त्र था। इसे जिस पर भी छोड़ा जाए उसका नाश तय था। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार केवल किसी अन्य ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता था। आज के परमाणु बम को आप ब्रह्मास्त्र का ही एक रूप मान सकते हैं। इसे छोड़ने पर भयानक प्रलय अग्नि निकलती थी जो जीव जंतु वनस्पति एवं समस्त चर अचर वस्तुओं का नाश कर देती थी। जहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र द्वारा विनाश होता था वहाँ 12 वर्षों तक भयानक दुर्भिक्ष पड़ जाता था। रामायण में श्री राम जी, लक्ष्मण, रावण, मेघनाद, अतिकाय, परशुराम जी, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जी के पास ब्रह्मास्त्र था। श्री राम जी ने रावण तथा लक्ष्मण जी ने अतिकाय और मेघनाद का वध ब्रह्मास्त्र द्वारा ही किया था। महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा एवं अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था। इनमें अश्वत्थामा केवल इसे चलाना जानता था किंतु इसे वापस लेने की कला उसे नहीं पता थी। नंबर 9, भार्गवास्त्र। ये भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम जी का सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र था जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं किया था। इस अस्त्र में भगवान परशुराम जी की सभी अस्त्रों की शक्तियां सम्मिलित थी और यह अस्त्र भगवान परशुराम जी के अलावा महारथी कर्ण के पास थी। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान इस अस्त्र के प्रयोग करके पांचाल सेना के एक अक्षौणी सेना का संहार कर डाला था, जिसे देखकर अर्जुन ने कहा था इस अस्त्र को किसी भी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 8, वैष्णवास्त्र। यह भगवान विष्णु जी का अचूक अस्त्र था जिसे उनके अतिरिक्त कोई अन्य रोक नहीं सकता था। इसे केवल श्री हरि को प्रसन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता था। इससे न केवल मनुष्य अपितु देवताओं का भी नाश हो सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्र जी के पास ये अस्त्र था जो उन्होंने श्री राम जी को प्रदान किया था। इसी महान अस्त्र से श्री राम जी ने भगवान परशुराम जी के प्रभाव का अंत कर दिया था और तब भगवान परशुराम जी को ये विश्वास हो गया कि श्री राम जी विष्णु जी के अवतार ही है। महाभारत में ये अस्त्र श्री कृष्ण जी और भगदत्त के पास था। भगदत्त ने इसका प्रयोग अर्जुन पर कर दिया था किंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने मार्ग में ही उसे अपने ऊपर ले लिया था और अर्जुन के प्राण बचाए थे। नंबर 7, रुद्रास्त्र। ये महादेव का महाविध्वंसक अस्त्र था। जब इसे चलाया जाता था तो 11 रुद्रों की सम्मिलित शक्ति एक साथ प्रहार करती थी और लक्ष्य का विध्वंस कर देती थी। वैसे तो प्रमाणिक रूप से इस अस्त्र का किसी के पास होने का वर्णन नहीं है किंतु एक कथा के अनुसार अर्जुन ने इसे महादेव से प्राप्त किया था। जब अर्जुन स्वर्ग लोक में थे तब उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता की थी। उस युद्ध में देवता परास्त होने ही वाले थे, तब कोई और उपाय न देखकर अर्जुन ने रुद्रास्त्र का संधान किया और केवल एक ही प्रहार में 3 करोड़ असुरों का वध कर दिया। नंबर 6, ब्रह्मशीर। ये ब्रह्मास्त्र का ही एक विकसित रूप था जो भगवान ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रकार ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। ये अस्त्र इतना सटीक था कि इसके उपयोग से वन के बीच केवल एक घास को भी नष्ट किया जा सकता था। इसके किसी योद्धा के पास होने का कोई सटीक वर्णन नहीं है, केवल महर्षि अग्निवेश के पास ये निर्विवाद रूप से था। इसके अतिरिक्त कुछ लोग द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मशीर के होने की बात कहते हैं। कुछ स्थान पर यह वर्णित है कि अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अंतिम युद्ध में ब्रह्मशीर अस्त्र का ही प्रयोग किया था। हालांकि अधिकतर स्थान पर ब्रह्मास्त्र का ही वर्णन है। ब्रह्मशीर अस्त्र का निवारण केवल दूसरे ब्रह्मशीर अस्त्र द्वारा ही किया जा सकता था, किंतु ऐसा वर्णित है कि जहां 2 ब्रह्मशीर अस्त्र टकराते हैं वहां 12 दिव्य वर्षों यानी 4300 मानव वर्ष तक एक भी पत्ता नहीं उगता। नंबर 5, ब्रह्मांड अस्त्र। ये परमपिता ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है जो उनके पास सिरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये ब्रह्मास्त्र से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है और इसके प्रहार से पूरे विश्व का नाश किया जा सकता है। कई लोगों को एक साथ समाप्त करने की शक्ति इस
शास्त्र में होती है। केवल ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ जी के पास इस अस्त्र के होने का वर्णन है। विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में वशिष्ठ जी के ब्रह्मांड अस्त्र ने विश्वामित्र जी के ब्रह्मास्त्र अस्त्र को पी लिया था। नंबर 4, विष्णु ज्वर। यह भगवान विष्णु जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रहार से भयानक ठंड उत्पन्न होती है जो समस्त चर सृष्टि की चेतना लुप्त कर देती है। बाणासुर के विरुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण जी ने इस अस्त्र का प्रयोग भगवान शंकर पर किया था। नंबर 3, शिव ज्वर। ये भगवान शंकर का अस्त्र है जिसे माहेश्वर ज्वर भी कहते हैं। ये महादेव का सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्र है। इसकी शक्ति महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के समान है जिससे क्षण में समस्त सृष्टि को भस्मीभूत किया जा सकता है। विष्णु पुराण में विष्णु ज्वर को एवं शिव पुराण में शिव ज्वर को विजेता बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है कि संसार की रक्षा हेतु उस युद्ध को परम पिता ब्रह्मा ने मध्यस्थता कर रुकवा दिया था। नंबर 2, नारायणास्त्र। ये भगवान नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है और इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करने से इंद्रास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र इत्यादि अनेक दिव्यास्त्र इससे निकलकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इसके सामने पूर्ण समर्पण करने पर यह अपना प्रभाव नहीं डालता। रामायण में यह अस्त्र श्री राम जी एवं मेघनाथ के पास था। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण जी एवं अश्वत्थामा के पास था। युद्ध के 15वें दिन द्रोण के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने कौरव सेना पर नारायणास्त्र से प्रहार किया जिससे एक अक्षुणी सेना तो तत्काल ही समाप्त हो गई। तब श्री कृष्ण जी के परामर्श अनुसार सभी ने उस अस्त्र के समक्ष समर्पण कर दिया, किंतु भीम ने समर्पण करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने बलपूर्वक उनसे समर्पण करवाया और तब जाकर सबके प्राण बचे। नंबर 1, पाशुपतास्त्र। ये भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। एक बार छूटने पर यह लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। कोई भी शक्ति पाशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती। इस अस्त्र के द्वारा ही भगवान शंकर ने केवल एक ही प्रहार में त्रिपुर का संहार कर दिया था। रामायण काल में श्री राम जी और मेघनाथ के पास यह अस्त्र था। मेघनाथ ने उसे भगवान शंकर से प्राप्त किया था। उसने लक्ष्मण पर इसका प्रयोग भी किया था, किंतु महादेव की कृपा से इस अस्त्र ने उनका अहित नहीं किया। महाभारत काल में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था जो उसने निर्वासन के समय महादेव से प्राप्त किया था। महाभारत में इस अस्त्र के प्रयोग का कोई वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार के ये 10 महान अस्त्र जिन्हें महाअस्त्र कहा जाता है, इनके अतिरिक्त अगर हम महाशस्त्र की बात करें तो हम त्रिशूल और सुदर्शन चक्र को ही सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र के रूप में देखते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र और शिव पुराण के अनुसार महादेव जी का त्रिशूल ही सर्व शक्तिशाली माना जाता है। तो दोस्तों, आपको इन दिव्यास्त्रों में सबसे शक्तिशाली कौन सा लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।